हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो कभी बार क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर हम लोग अपना व्हाट्सएप है वो चलाना चाहते हैं। तो वैसे तो व्हाट्सएप चलाने के लिए आप सभी को पता ही है, ब्लू स्टिक नाम से एक ऐप आता है। उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद में आप लगभग एंड्रॉयड जितनी भी ऐपें होती हैं उसके अंदर आप बहुत ही आसानी से चला सकते हो। लेकिन मैं आज आपको एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ विदाउट सॉफ्टवेयर। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी और अपने पीसी के अंदर है वो आप अपना व्हाट्सएप है वो चला सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप जैसे ही अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर चलाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर नेट होना ज़रूरी है। तो जैसे ही हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर नेट होगा, नेट होने के बाद में आप लोग आराम से वो विदाउट सॉफ्टवेयर भी अपने कंप्यूटर या फिर आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर बहुत ही आसानी से है वो व्हाट्सएप चला सकते हो। कभी बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जैसे आप ऑफिस का काम कर रहे हो या एक स्टूडेंट हो तो कुछ पीडीएफ फाइल या कोई भी आपकी ऐसी फाइल होती है जो आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में होती है, उस फाइल को हमें किसी भी पर्टिकुलर जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए होते हैं दोस्त है या अदरवाइज कोई भी पर्सन है उसको हमें वो क्या करना होता है, एक सेंड करना होता है उसको। तो जैसे ही हम लोग सेंड करेंगे तो क्या करना होता है कि उस पर हम लोग व्हाट्सएप चलाएं तो हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर है वो व्हाट्सएप कैसे चलाएं और वो फाइल है वो कैसे भेजें। तो दोस्तों, मैं किस लिए हूँ, तो चलिए आज आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो और एकदम सिक्योर है, तो आपकी प्राइवेसी चोरी होने का भी बिल्कुल खतरा नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ और इसे आप किसी भी अपने फ्रेंड है या अपने रिलेटिव रिश्तेदार है उसको बहुत ही आसानी से कोई भी फाइल है जो अपने पीसी में है या लैपटॉप में है उनको आप व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हो। और आपको कोई भी अदर सॉफ्टवेयर है या थर्ड वेबसाइट पे भी विजिट नहीं करना है। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो आइए स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीन पर और देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर का क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन करना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र है ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट्सअप वेब, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही व्हाट्सअप वेब आता है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपको एक कोड बार दिखेगा और इस कोड बार को आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सअप को ओपन करके वहाँ पे व्हाट्सअप वेब पे जाके इस कोड बार को स्कैन करना है। कैसे, तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कैसे। तो दोस्तों, आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। जैसे व्हाट्सएप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको दिखा हुआ दिखाई देगा व्हाट्सएप वेब, वहाँ पे आपको इसको ओके करना है और अपने कंप्यूटर में जाके उस कोड बार को है वो स्कैन करना है। जैसे ही आप उसको स्कैन करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर है वो ब्राउज़र है ओपन हो जाएगा व्हाट्सएप वाला। तो देखा दोस्तों, मैंने जैसे ही अपने मोबाइल से इस कोड बार को स्कैन किया, स्कैन करते ही व्हाट्सएप है वो ऑन हो गया। और इसे आप विदाउट सॉफ्टवेयर भी अपने कंप्यूटर में या डेस्कटॉप, आप जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसमें बहुत ही आसानी से कोई भी आपको सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, इमरजेंसी है, जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर है उसे आप अपने दोस्त को या अदरवाइज किसी भी प्रश्न को भेजना चाहते हो तो यहाँ से भेज सकते हो। तो बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये एकदम सिक्योर है, आपकी प्राइवेसी लीक होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है वो कीजिए। आगे भी एक ऐसा यूनिक वीडियो लेके आऊँगा जो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। यदि कंप्यूटर हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसका मैं जवाब है वो तुरंत दूंगा। धन्यवाद।